नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। विरासत कर को लेकर उल्टे बीजेपी ही फंस रही है। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं के पुराने वीडियो और ट्वीट निकाल कर उनको ही फंसा दिया है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने विरासत कर को लेकर उठे विवाद पर कहा है कि कांग्रेस की ऐसा कर लगाने की कोई योजना नहीं है। जयराम रमेश ने बीजेपी सरकार के पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा का बयान साझा किया है और लिखा है कि मोदी सरकार के पूर्व वित्त राज्य मंत्री और बाद में वित्त संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष जयंत सिन्हा को सुनिए। उन्होंने अमेरिका की तरह 55% विरासत कर के पक्ष में 15 मिनट तक जोरदार बहस की थी। इसके अलावा जयराम रमेश ने बीजेपी नेता अमित मालवीय का ट्वीट भी दिखाया है, जो 2014 में इनहेरिटेंस वेल्थ के समर्थन में बात कर रहे थे। बता दें, कांग्रेस से जुड़े सैम पित्रोदा के एक साक्षात्कार में इनहेरिटेंस टैक्स की बात करने के बाद इससे इस मुद्दे पर राजनीतिक विवाद हो रहा है। अब जयराम रमेश ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस किसी तरह के विरासत कर को लागू करने का इरादा नहीं रखती है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव प्रचार आज थम गया है। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इन 48 घंटों के दौरान उम्मीदवार केवल घर घर जाकर ही मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक मतदान के बंद होने के ठीक पूर्व के 48 घंटों के दौरान सार्वजनिक सभाओं, लाउड स्पीकर और जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। प्रियंका ने वायनाड के लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि राहुल गांधी नफरत की राजनीति के खिलाफ लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि आपने मेरे भाई को जो प्यार दिया है, जो सम्मान दिया है, उसके लिए मैं आपका दिल से आभार करना चाहती हूँ। प्रियंका गांधी ने कहा कि वो पिछले 10 साल से नफरत और गुस्से की राजनीति के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष में 5 सालों के दौरान वो जिस तरह इसके हालात से भी गुजरे, उनके घर से बाहर निकाल दिया गया, उन्हें कई तरह के नाम लेकर पुकारा गया और ऐसे चीज़ें करने के आरोप लगाए गए जो उन्होंने की ही नहीं। इस दौरान वो जिन हालात से भी गुजरे, अपने दिल में वो जानते थे कि वायनाड के लोग उन्हें प्यार करते हैं। इस प्यार ने उन्हें लड़ाई जारी रखने की हिम्मत दी। राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी हार के डर से कांप रहे हैं, इसीलिए वो लगातार एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता समझ गई है कि नरेंद्र मोदी अरबपतियों के नेता हैं, गरीबों के नहीं। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता संविधान की रक्षा के लिए खड़ी हो गई है। वो जानते हैं कि इलेक्शन उनके हाथ से निकल गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी महाराष्ट्र के पुसद में चुनावी रैली में भाषण देते हुए बेहोश हो गए। बाद में नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया है कि वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। नितिन गडकरी ने लिखा कि पुसद महाराष्ट्र में रैली के दौरान गर्मी की वजह से असहज महसूस किया, लेकिन अब पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और अगली सभा में सम्मिलित होने के लिए वरूड के लिए निकल रहा हूँ। आपके स्नेह और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। मंच पर नितिन गडकरी के बेहोश होने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपनी जातीय जनगणना से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के अधिकारों पर डाका डालना चाहती है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस का इरादा हमेशा किसी भी तरह से सत्ता हासिल करने का रहा है। वो देश की कीमत पर सत्ता चाहते हैं। इसके लिए वो भारत में तालिबानी प्रवृत्ति लाएंगे, जो महिलाओं पर बर्बर अत्याचार का कारण बनेगी। राहुल गांधी ने कहा है कि दलितों, ओबीसी समाज, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों समेत 90% भारत के साथ भयंकर अन्याय हो रहा है। देशभक्ति इनको न्याय दिलाना है और नरेंद्र मोदी इससे ही घबरा रहे हैं। ये मेरे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मेरी लाइफ का अन्वेषण है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी 10 साल से कह रहे थे कि वो ओबीसी हैं, लेकिन जैसे ही मैंने जातिगत जनगणना की बात की, वो कहते हैं हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही जातियाँ हैं, अमीर और गरीब। नरेंद्र मोदी जी, अगर आप गरीबों की लिस्ट में देखेंगे तो उसमें आपको एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लोग मिल जाएंगे, लेकिन अमीरों की लिस्ट में आपको एक भी नहीं मिलेंगे। इसलिए जातिगत जनगणना मेरे लिए राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये मेरे जीवन का मिशन है। राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने अपने अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। इतने पैसों से 16 करोड़ युवाओं को 1 लाख रुपए साल की नौकरी मिल सकती थी। 16 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपए साल देकर उनके परिवारों की जिंदगी बदली जा सकती थी। 10 करोड़ किसान परिवारों का कर्ज माफ कर अनगिनत आत्महत्याएं रोकी जा सकती थी। पूरे देश को 20 वर्षों तक मात्र 400 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा सकता था। 3 साल तक भारतीय सेना का पूरा खर्च उठाया जा सकता था। दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के हर युवा की ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई मुफ्त की जा सकती थी। जो पैसा हिंदुस्तानियों के दर्द की दवा बन सकता था, उसे अडानियों की हवा बनाने में खर्च कर दिया गया। देश मोदी को इस अपराध के लिए कभी माफ़ नहीं करेगा। अब हाथ बदलेगा हालात,
कांग्रेस हर हिंदुस्तानी की प्रगति के लिए सरकार चलाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया है। राहुल गांधी ने पार्टी के घोषणा पत्र को क्रांतिकारी करार देते हुए कहा कि घोषणा पत्र देखकर पीएम मोदी घबरा गए हैं। दिल्ली में आयोजित सामाजिक न्याय सम्मेलन में बोलते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी बीते 3-4 दिनों से बीमार चल रहे थे, आज ही उन्होंने फिर से चुनाव प्रचार कार्यक्रम में शामिल होना शुरू किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सैम पित्रोदा की संपत्ति के बंटवारे को लेकर दिए बयान का जिक्र एक चुनावी रैली में किया है। छत्तीसगढ़ में एक चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा कि जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी, तब आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी को अपनी पैतृक संपत्ति मानकर जिन लोगों ने अपने बच्चों को दे दी, अब वो नहीं चाहते कि भारतीय अपनी संपत्ति अपने बच्चों को दें। पीएम ने कहा कि अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो भी अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी। कांग्रेस का पंजा वो भी आपसे लूट लेगा। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। बता दें सैम पित्रोदा ने समाचार एजेंसी एनआई को दिए इंटरव्यू में अमेरिका में लगने वाले इनहेरिटेंस टैक्स की बात की थी, जिसके तहत किसी शख्स की अरबों की संपत्ति उसके मरने के बाद सीधे बच्चों को नहीं मिलती, बल्कि इसका एक बड़ा हिस्सा सरकार को चला जाता है। इस पर अमित शाह ने कहा कि सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधनों पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का मानते हैं, अब इनके घोषणा पत्र बनाने में जिनकी अहम भूमिका है उनका बयान की संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि अमेरिका का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई है कि हमारा मकसद ये नहीं है। लेकिन आज सैम पित्रोदा के बयान ने पूरे देश के सामने कांग्रेस का मकसद स्पष्ट कर दिया है। निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए सरकार में तय किया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक और उसमें भी सबसे अधिक मुस्लिमों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी या तो अपने घोषणा पत्र से इस बात को वापस ले या फिर उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान से किनारा कर लिया है। सैम पित्रोदा के बयान ने किनारा करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सैम पित्रोदा मुझ सहित दुनिया भर के कई लोगों के गुरु, मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक रहे हैं। उन्होंने भारत के विकास में असंख्य स्थायी योगदान दिया है। वो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। पित्रोदा उन मुद्दों पर खुलकर अपनी राय व्यक्त करते हैं इनके बारे में वो दृढ़ता से महसूस करते हैं। निश्चित रूप से लोकतंत्र में एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचारों पर चर्चा करने, व्यक्त करने और बहस करने के लिए स्वतंत्र है। इसका मतलब ये नहीं कि पित्रोदा के विचार हमेशा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति को दर्शाते हैं। कई बार वो ऐसा नहीं करते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बौखलाए हुए हैं, चिंतित हैं। पीएम मोदी और उनके सलाहकार जानबूझकर जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटका रहे हैं, इसलिए वो सैम पित्रोदा जी की टिप्पणियों को सनसनीखेज बनाकर पेश कर रहे हैं। AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर मुसलमानों से नफरत का आरोप लगाया है। बिहार के किशनगंज में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि मोदी की एक ही गारंटी है, मुसलमानों से नफरत की गारंटी। वो 2002 से यही करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में मुसलमानों की 17 करोड़ आबादी है, अल्पसंख्यकों में सबसे ज़्यादा। वो देश के 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। मुसलमानों के नहीं हैं क्या? उनको इस तरह से रुस्वा करना, इस तरह से उससे नफरत करना, अगर कल देश में कोई दंगा हो जाए तो जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की होगी। राजस्थान में लोकसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीकानेर शहर से भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष उस्मान गनी को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। ये एक्शन उनके एक वायरल वीडियो के बाद आया है, जब वो एक पत्रकार से बात करते हुए कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने मेरी कौम को लेकर जो कुछ भी कहा मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि धरातल पर हमें काम करना पड़ता है और लोगों में जवाब भी देना पड़ता है। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी बाहियात बातें ना करें। इसके बाद उनके खिलाफ एक्शन हुआ। हालांकि जिस चैनल से वो बात कर रहे थे उसने उस वीडियो को भी हटा दिया है, ऐसा मोहम्मद जुबैर ने बताया है। इत्र नगरी की लोकसभा सीट से तेज प्रताप की जगह अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। सपा महासचिव और राज्यसभा सांसद
रामगोपाल यादव ने अखिलेश की उम्मीदवारी का ऐलान किया है। रामगोपाल यादव ने कहा है कि अखिलेश यादव कन्नौज से ही चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश 25 अप्रैल की दोपहर कन्नौज सीट से नामांकन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ईवीएम वीवीपैट केस में फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 24 अप्रैल को कहा कि वो चुनावों के लिए कंट्रोल अथॉरिटी नहीं है और वो भारत के चुनाव आयोग के कामकाज को निर्देशित नहीं कर सकता है। अदालत की ये टिप्पणी ईवीएम पर डाले गए वोटों का वीवीपैट प्रणाली के माध्यम से कागजी पर्चियों के साथ वोटों के सत्यापन की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आया। पतंजलि आयुर्वेद की सार्वजनिक माफीनामे के साइज पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल करने के अगले ही दिन कंपनी ने बुधवार को प्रमुख अखबारों में फिर से माफ़ी छपवाई है। इस बार अखबार के लगभग एक चौथाई पन्ने पर माफीनामा छपवाया गया है। ये माफीनामा योग गुरु रामदेव और पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण की ओर से जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि हम अपने विज्ञापनों के प्रकाशन में हुई गलती के लिए ईमानदारी से क्षमा चाहते हैं और पूरे मन से प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं कि ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। एडीआर ने चुनावी बॉन्ड मामले में मनी ट्रेल की एसआईटी की जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और कहा है कि ईडी आईटी स्कैनर के तहत कई कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन दान किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनावी बॉन्ड मामले में करोड़ों रुपए का घोटाला शामिल है, जिसे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जाँच के जरिए ही उजागर किया जा सकता है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि झारखंड हाई कोर्ट ने 28 फरवरी को बहस पूरी होने के बावजूद अभी तक उनकी याचिका पर फैसला नहीं सुनाया है, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। 25,000 करोड़ के बैंक घोटाले केस में अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को बड़ी राहत मिली है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध विंग ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी को जिला सहकारी बैंक घोटाले मामले में क्लीन चिट दे दी है। सुनेत्रा पवार को एनसीपी ने बारामती लोकसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया है। चुनाव से ठीक पहले मिली क्लीन चिट के बाद उन्हें राहत की सांस मिली है। कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर आरबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक को ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग चैनल्स के जरिए नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा आरबीआई ने कोटक बैंक के नए क्रेडिट कार्ड्स भी जारी किए जाने पर रोक लगाने का फैसला किया है। हालांकि आरबीआई ने कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक अपने मौजूदा कस्टमर्स, जिसमें क्रेडिट कार्ड कस्टमर भी शामिल हैं, उन्हें सभी सर्विसेज उपलब्ध कराती रहेगी। आरबीआई ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि 2022 और 2023 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के आईटी एग्जामिनेशन के दौरान बैंक में कई प्रकार की कमियों को लेकर चिंता जाहिर की गई थी। कोटक महिंद्रा बैंक तय समय के भीतर इन चिंताओं का निराकरण करने में विफल साबित हुआ। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 3 दिन के चीन दौरे पर शंघाई पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि इस दौरे पर ब्लिंकन चीन को रूस के युद्ध प्रयासों में मदद करने के लिए चेतावनी दे सकते हैं। अमेरिका का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल हो रहे हथियारों को चीन के मशीनी उपकरणों और माइक्रोचिप की मदद से तैयार कर रहा है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के पाकिस्तान दौरे पर दोनों देशों के बीच हुई कारोबारी सौदों को लेकर अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने पाकिस्तान को ईरान के साथ व्यापार सौदों के मद्देनज़र प्रतिबंधों के संभावित जोखिम के बारे में चेतावनी दी और कहा है कि वो ईरान पर कार्रवाई जारी रखेगा। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के सप्लायर्स पर प्रतिबंध लगाने पर जोर देते हुए अमेरिकी विदेश मंत्रालय के डिप्टी प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि हमें बड़े पैमाने पर विनाशकारी हथियारों की खरीद से जुड़ी गतिविधियों को बाधित करना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना जारी रखेंगे, चाहे ये कहीं भी हो। मुझे बस इतना कहना है कि हम ईरान के साथ व्यापारिक सौदों पर विचार करने वाले किसी भी देश को प्रतिबंधों के संभावित जोखिम के बारे में सतर्क रहने की सलाह देते हैं, लेकिन अंततः पाकिस्तान की सरकार अपनी विदेश नीति से जुड़ी बात रख सकती है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख ने कहा है कि वो इजरायली हमलों के बाद गजा के नासिर और अलशिफा अस्पतालों में हुई तबाही और यहाँ सामूहिक कब्रें पाए जाने की खबरों से भयभीत हैं। वोल्कर तुर्क ने इन मौतों की स्वतंत्र जांच कराए जाने की मांग की है। फलस्तीनी अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने नासिर अस्पताल में मिली सामूहिक कब्रों से करीब 300 लोगों के शव बाहर निकाले हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि इतने लोगों की मौत कब हुई या फिर उन्हें कब दफनाया गया। अब तक के सुर्खों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।